हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज 10B, क्लास थर्ड। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10B का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऐड, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है, जोड़ना है यहाँ पर आपको। तो जैसे कि मैंने आपको मीटर सेंटीमीटर के बारे में पढ़ाया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर को एक साथ बोला जाता है। मतलब कि जो आपके क्वेश्चन आते हैं हमेशा, वो मीटर से सेंटीमीटर के लिए हो गया, मीटर से सेंटीमीटर, इस तरह से इनका ग्रुप बन के आता है। जो किलोमीटर है वो मीटर को एक साथ में इसमें आपको पढ़ाया गया है, ठीक है स्टूडेंट। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, जो अकॉर्डिंग टू क्लास है ये आपका मीटर, अभी आपको केवल इसमें मीटर और मीटर सेंटीमीटर, किलोमीटर और मीटर के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको, किसमें, एक्सरसाइज 10A में, ठीक है। आज केवल आपको बहुत ही सिंपल है, सिंपल तरीके से मैं आपको समझाती हूँ, एंड आपको केवल क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करना मतलब जोड़ना है। इस एक्सरसाइज में आपको केवल क्या करना है, जोड़ना है, यानी कि ऐड करना है। तो एक्सरसाइज 10B ए पार्ट, इसको मैं एक बार आपको ए पार्ट को करके यहाँ पे बता देती हूँ, करके बता देती हूँ, फिर आपको इसके जो पार्ट है बाकी के वो आपको सेल्फ करने हैं, यहीं पर फिल करने हैं बुक में, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी तक आप पढ़ते भी आए हैं, ऐड करना बहुत पढ़ भी चुके हैं क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में, तो फिर से देख लीजिए 49 को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो अगर आपके टू टर्म्स बन के आती हैं, टू डिजिट बन के आती है, तो उसका जो वंस पार्ट होता है वो क्या करते हैं आप, अपनी डिजिट के यहाँ पे सेम डिजिट के, जो आपकी डिजिट को आपने ऐड किया उसी के नीचे लिखते हैं, एंड जो आपकी टेंस प्लेस होता है उसको क्या करते हैं आप, सेकेंड नेक्स्ट डिजिट पर क्या करते हैं यहाँ पर, स्टूडेंट्स को कैरी कर देते हैं, ओके। तो ऐसे ही करना है यहाँ पर, 49 क्या हो गया आपका, 9, 4, 10, 11, 12, 13, 13, यहाँ पे 13 का 3 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि वो वन स्पेस पर है, और 1 जो है आपका टेंथ प्लेस पर है, इसलिए वो 1 यहाँ पर कैरी चला जाएगा, ओके। लिख भी सकते हैं आप इसको। फिर आपका 2, 3 क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कैरी को भी चाहे तो सबसे पहले ऐड ही करके चले, क्योंकि ताकि आप उसको भूल ना जाए, क्योंकि क्या होता है आप कैरी को भूल जाते हैं। तो 1, 2 कितना हो गया आपका, 3, 3, 3, 6 हो गया। नेक्स्ट ऐड करते हैं, ये तो यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। अगर सपोज आपका कोई नंबर ऐसा आता है कि वो कैरी बना रहा है फिर से, और आपको ये सोचो कि उसको यहीं पे पूरा लिख दे, तो पूरा नहीं लिखना है आपको, उसको नेक्स्ट नंबर में लिख देना है। यानी कि सपोज आपका यहाँ पर 16 होता तो 6 यहाँ पर आ जाता और 1 यहाँ अगले नंबर में चला जाता कैरी में, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या, केवल 0, 3 है, तो 0, 3 में तो ऐड करेंगे 3 आएगा, और 7, 9 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, बाकी क्या सेल्फ ट्राई करना। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द सम, इसमें आपको ऐड ही करना है फिर से, बट इसमें आपको ये देख सकते हैं इस तरह से दिए क्वेश्चन, आपको सबसे पहले इसको अरेंज करना है किसमें, कॉलम में। कॉलम में कैसे अरेंज करते हैं, इस तरह से सबसे पहले मीटर वाला एक पोर्शन बनाया हमने, एक सेंटीमीटर वाला, मीटर को मीटर के नीचे लिखेंगे, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के, जैसे कि आप देख सकते हैं 18, 7 मीटर तो यहाँ पे आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर तो 10 यहाँ पे लिख देंगे, फिर 72 मीटर तो 72 फिर से मीटर के नीचे आएगा, 11 सेंटीमीटर तो वही सेंटीमीटर के नीचे लिख दिया, एंड 95 सेंटीमीटर तो इन्होंने यहाँ पे मीटर नहीं दिया है, बस सेंटीमीटर दिया, तो सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 00 यहाँ पे आ जाएगी, फिर इसको सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद ये आपका आंसर हो जाएगा, बस ऐड करना तो मैंने आपको बता ही दिया अभी ऊपर। अभी क्या करना है, बी पार्ट एक और एक्सप्लेन कर देती हूँ, किलोमीटर और मीटर के बारे में। किलोमीटर एंड मीटर जो है आपका है, किलोमीटर में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले 2 किलोमीटर है तो 2 लिखेंगे, फिर मीटर जो है मीटर वालों के नीचे लिखेंगे, 360 हो गया, फिर उसके बाद किलोमीटर 4 किलोमीटर आ गया, फिर 270 मीटर यहाँ पे आ गया, फिर एंड 10 किलोमीटर तो 10 जो है आपका 2 डिजिट है, अभी तक हम सिंगल डिजिट लिखते आए थे, तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे 10 डिजिट को। उसके बाद आप देख सकते हैं 6 मीटर आपका क्या है, 1 डिजिट है, और अभी तक हम क्या लिखते हैं, 3 डिजिट लिखते हैं, तो 6 को वंस प्लेस पर लिखेंगे। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, डिजिट को अकॉर्डिंग टू प्लेस लिखेंगे, किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, प्लेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि वंस प्लेस के नीचे वंस डिजिट होनी चाहिए, टेंस प्लेस के नीचे टेंस, और 100 प्लेस के नीचे 100। अगर आप इस तरह से नहीं लिखेंगे तो आपका जो एडिशन है वो रोंग हो जाएगी, ओके स्टूडेंट्स। इसी तरह से आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि किलोमीटर का कॉलम बनाएंगे, एक मीटर का कॉलम बनाएंगे, किलोमीटर को किलोमीटर की डिजिट के नीचे लिखेंगे और मीटर वाली डिजिट को मीटर के नीचे लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई टेंस प्लेस, कोई आपको क्वेश्चन में क्या होगा, कोई आपको 2 डिजिट दी जाएंगी, कोई 3 दी जाएंगी, मतलब कि कोई आपको जैसे कि वंस टेंस दे दी, कोई वंस टेंस 100 दे दी, कोई ओनली वंस दी जाएगी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दी भी गई थी, ओके स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है, ध्यान से उस क्वेश्चन को प्रोसीजर जो उसको रीअरेंज, मतलब कि अरेंज करना है आपको कॉलम में, उसको ध्यान से करना, ठीक है। तो 0, 0 क्या हो गया, 0, 0 तो 0 ही हुआ, फिर 6 ऐड करेंगे 6 हो गया, 6, 7, 13, 13, 0 ऐड करेंगे फिर से 13 ही रहेगा, 13, 3 हो गया, 1 कैरी गया जैसे मैंने आपको बताया था,
टू प्लेसेस बन जाते हैं, तो टू जो उसका वंस पार्ट होता है वो वहीं पे लिखा जाता है। जो नेक्स्ट पार्ट टर्म हो जाती है, जो आपकी टेंस होती है, टेंस प्लेस जो होता है वो आपका कैरी में चला जाता है। फॉर थ्री फाइव क्या हो गया सिक्स, सिक्स सॉरी थ्री फाइव क्या हो गया टू, और कैरी ले लेंगे यहाँ से वन वन आपका क्या हो गया सिक्स हो गया, फाइव में ऐड करके सिक्स हो गया। फिर फोर टू सिक्स हो गया, क्योंकि जीरो तो ऐड करने पर जीरो ही एज इट इज ही रहता है वो नंबर सेम, फिर जीरो जीरो तो जीरो ही रहेगी, जीरो में वन ऐड करेंगे तो ये नंबर एज इट इज रहेगा। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रख के चलेंगे यहाँ पे। जीरो में जब हम कोई नंबर ऐड करते हैं तो एज इट इज लिखा जाता है। सपोज दैट जीरो में अगर मैं एट ऐड कर रही हूँ तो वहाँ पे जीरो नहीं आएगी, वहाँ पर एट आएगा। इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा ध्यान रख के चलेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर टू के जो पार्ट है वो आपको क्या करने, सेल्फ प्रैक्टिस करने, किसमें करने, रफ कॉपी में करने। ओके, अब है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या करना है, ऐड द फॉलोइंग, ऐड करना है, फिर से ऐड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे इस बार मार्क भी लगा के दिया, साइन लगा के दिया है प्लस का। आपको क्या करना है, किलोमीटर को किलोमीटर में ऐड करना है, मीटर को मीटर में ऐड करना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेते हैं कॉलम में, ताकि आपको ईजी हो जाए थोड़ा क्वेश्चन को करने में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने अरेंज किया है कॉलम में 61 किलोमीटर 755 मीटर दिया है उन्होंने। तो किलोमीटर का कॉलम बनाया, एक मीटर का बनाया, किलोमीटर के नीचे 61 लिख दिया, मीटर के नीचे 755 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप प्लस का निशान है, वो तो सबको ऐड करना है, एक बार ही लगा लेंगे। फिर 7 किलोमीटर, इस बार केवल इसने 7 दिया, तो 7 को वंस, क्योंकि 7 क्या है, वंस प्लेस है। 61 क्या था, 61 यानी कि टू डिजिट थी, बट 1 आपका यहाँ पर वंस प्लेस पर है, 6 आपका टेंस प्लेस पर है। यहाँ पे 7 दिया है, इट मीन्स ये केवल क्या है, वंस प्लेस है, तो वंस को वंस के नीचे रखेंगे। ठीक है, 613 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पे मीटर आएगा, ये बाई मिस्टेक लिखा गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका मीटर, 613 मीटर यहाँ पे इसको लिख दिया, प्लस 54 मीटर, 54 क्या है, मीटर है ओनली, किलोमीटर नहीं गिविन किया है। तो आपको क्या किया है, यहाँ पे क्या करना है, इसको वंस टेंस डिजिट के अकॉर्डिंग लिखना है यहाँ पर, एंड आपका 100 प्लेस इसमें भी नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पे जीरो फिल कर देंगे। और यहाँ पे किलोमीटर नहीं दिया तो इसलिए यहाँ पे इसके प्लेस पर आप जीरो फिल करेंगे, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो ऐड करते वक्त। अब ऐड कर लीजिए, 5 3 कितना हो गया 8, 8 4 12, 12 का 2 यहाँ पे कैरी आ गया, 1 फिर से सॉरी 2 यहाँ पे लिख देंगे, 1 कैरी गया, 1 पहले ही जोड़ लेते हैं, 1 5 कितना हो गया 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 और 5 12, फिर से 1 कैरी गया, 1 ऐड कर लेते हैं फिर से ताकि आप भूल ना जाए, 7 और 1 8, 8 6 कितना हो गया 14, 14 का 4 आ गया, 1 कैरी चला गया, क्यों चला गया, क्योंकि यहाँ पे 0 थी, तो 14 को 0 में ऐड करेंगे, 14 एज इट इज आएगा, तो 4 को यहाँ पे लिखेंगे और 1 कैरी नेक्स्ट वाले टर्म में कर देंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था ऐसा नहीं करना है कि जो ये नंबर आएगा पूरा यहीं पे लिखेंगे, 14 यहाँ पे नहीं लिखना है, अभी हमारे पास आगे है डिजिट, भले ही कॉलम अलग अलग बने हो बट आपको नेक्स्ट डिजिट में ही इसको ऐड करके चलना है। तो 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, क्योंकि एक कैरी का है यहाँ पर हमारे पास 2, 2 और 7 कितना हो गया 9 हो गया, क्योंकि 0 में तो ऐड करने पर वो एज इट इज ही रहेगा नंबर। ओके, फिर इसी तरह से 6 है, 2 नीचे इसके 0 है तो ये तो 0 ही रहेंगे। 6 में जब कोई भी नंबर हम सॉरी 0 में जब हम कोई नंबर ऐड करते हैं तो एज इट इज लिखा जाता है, क्योंकि 0 में 6 ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। अब इसका मैं आपको डी पार्ट एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी के पार्ट आप सॉरी रफ कॉपी में क्या करेंगे प्रैक्टिस करना। जैसे कि दे रखा 12 मीटर 57 सेंटीमीटर, तो पहले मीटर का, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मीटर, स्टूडेंट्स आप इस चीज़ का ध्यान रख के चले, कभी भी क्वेश्चन में वो आपको ऐसे नहीं देगा कि जैसे कि किलोमीटर और सेंटीमीटर मीटर को एक साथ नहीं देगा, और अगर देता भी है पहली बात तो अकॉर्डिंग टू क्लास आपको देगा नहीं वो इस तरह से। जो आपका क्लास का स्टैंडर्ड है, आपके स्टैंडर्ड में केवल आपको अभी नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी इसके बारे में। ठीक है, अभी आपको क्या होगा, ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा, जो आपकी थोड़ी और स्टेप टू स्टेप बढ़ाते चले जाते हैं, तो वो अगर आपको देंगे भी तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ वहाँ भी आपको क्या करना है, उनको चेंज करना होता है। बट ऐसा नहीं होता है, आपको अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर के साथ मीटर ही देते हैं, वो मीटर के साथ सेंटीमीटर देंगे, इस तरह से इनका प्रोसीजर होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रख के चलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि किलोमीटर में सेंटीमीटर दे देंगे। ठीक है, इस तरह से नहीं देंगे वो आपको, किलोमीटर है तो किलोमीटर मीटर देंगे कॉलम बनाने के लिए, स्टैंडर्ड आपके क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं किलोमीटर किलोमीटर जो किलोमीटर है वो मीटर इस तरह से ही आया अभी तक मैंने आपको पढ़ाया, फिर मीटर के साथ वो सेंटीमीटर ही दे रहे हैं। ठीक है, अभी क्या है मीटर, तो आपका जो है मीटर की जो वैल्यू दी हुई है उन्होंने यहाँ पे क्या दिया 12, तो 12 लिख दिया, फिर सेंटीमीटर में दिया आपको 57, फिर मीटर में क्या दिया है फिर से 25, फिर सेंटीमीटर में क्या दिया है 40,
फिर इस बार मीटर दिया आपको 31, बट इसने यहाँ पर आपको सेंटीमीटर गिवन नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 0 हो जाएगा, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। अब इसको ऐड कर लेते हैं फिर से 7 में, 0 ऐड करेंगे तो 7 ही रहेगा, 5 4 प्लस 0 ये भी 9 ही रहेगा, क्योंकि 4 5 4 5 4 आपका 9 हो गया, 9 में हम 0 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। ओके, उसके बाद है 2 5 कितना हो गया 7, 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। फिर है 1 2 3 3 3 6 हो गया। इस बस जो है आपकी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, आपको मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, जो आपकी ये एक्सरसाइज है आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज जो है आपकी 8BA, इसमें आपको एक चीज का ध्यान रख के चलना है, केवल ऐड करना, बहुत ही ध्यान से शांत क्वेश्चन को एक बार करने के बाद फिर से रिपीट करें कि मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी डिजिट लिखने में, कि वंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस को तो नहीं रख दिया, मतलब इस तरह से अपनी एक बार वेरीफाई कर ले क्वेश्चन करने के बाद, क्वेश्चन करने के बाद एक बार रिपीट जरूर करें, चेक जरूर करें, रिचेक जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।